यूपी में चुनाव करीब है, लिहाजा हर दिन खास समुदाय के वोट बटोरने के लिए कांग्रेस के नेता नई नई तरकीब रच रहे हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की एक नई खिताब मार्केट में दस्तक दे चुकी है, सनराइज ओवर अयोध्या। इस खिताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से की है। हालांकि कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने ही खुर्शीद के खिताब पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के पात्र कालनेमी राक्षस से की है। अल्वी ने कहा कि राम राज्य की बात करने वाले और जय श्री राम का नारा लगाने वाले मुनि नहीं बल्कि रामायण काल के कालनेमी राक्षस हैं। यूपी के संभल में कार्यक्रम में राशिद अल्वी ने यह विवादित बात कही। उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं कि देश में राम राज्य होना चाहिए, लेकिन जिस राज्य में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हों वहां नफरत कैसे हो सकती है। यहां दो हर पल नफरत फैलाई जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम अहम चर्चा करने वाले हैं। और इधर बिहार कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा ने भी कहा कि सलमान खुर्शीद को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुन लीजिए। कोई भी समाज आतंकवादी नहीं हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। व्यक्ति हिंसक हो सकते हैं, समाज कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। गोडसे अफजल गुरु आतंकवादी हो सकता है, हिंदू और मुसलमान कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। कोई भी समाज आतंकवादी नहीं हो सकता है, व्यक्ति हिंसक हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है सलमान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ही गलत कहा है, एंड ही शुड से सॉरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सलमान खुर्शीद की खिताब को लेकर उन पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि खुर्शीद को पार्टी से निष्कासित करे कांग्रेस, साथ ही राहुल गांधी खुर्शीद के लिए माफी मांगे। इसके साथ गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त हिंदुओं की याद आती है, कांग्रेस में इच्छाधारी हिंदू रहते हैं। और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआई से की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किताब अयोध्या पे लिखी गई थी और तुलना हिंदुत्व की, और कहा गया कि उतना ही खतरनाक है जैसे आईएसआई और बोको हराम। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में तुष्टीकरण लिखा है। जब बाटला हाउस कांड हुआ था तो सोनिया गांधी ने क्या कहा था, जो दिग्विजय जी आज मंत्र दिखा रहे हैं लोगों को सनातन धर्म का, वो कहाँ गए थे? आजमगढ़, आतंकियों के घर गए थे। तो ये कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस में अगर हिम्मत है तो सलमान खुर्शीद को एक्सप्लेनेशन कॉल करे और पार्टी से निष्कासित करे, अगर कांग्रेस अपने को अलग करती है तो। केवल ये कहने से नहीं चलेगा कि मैं उनसे सहमत हूँ। इसमें कांग्रेस नहीं बल्कि राहुल गांधी, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब सोनिया गांधी, यही राहुल सोनिया कांग्रेस है और किसी का वजूद नहीं है। लोगों ने भारत के सनातन को, हिंदू को गाली देना एक फैशन सा हो गया है, एक टुकड़े टुकड़े गैंग की आदत हो गई है। और भारत को, अगर आप भारत की संस्कृति को, हिंदुत्व को, आप भारत के विरासत को, भारत के सनातन को, सबको अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो बस कौन आज दुनिया में कौन ऐसा धर्म है जो दे वसुधैव कुटुम्बकम, जो कहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। और इधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब मध्य प्रदेश में बैन हो सकती है। खुर्शीद की बुक को लेकर एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद की किताब निंदनीय है, कानूनी राय लेकर इस बुक को एमपी में बैन कराएंगे। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदू समाज को बांटने में कांग्रेस नेता लगे हुए हैं। सुनिए। बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का,
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बट जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा, जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और सलमान खुर्शीद किताब पर भी बवाल मचा हुआ, सियासत तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच राशिद अल्वी ने भी एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया, पहले वो भी सुन लीजिए। अब आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो होशियार रहने की जरूरत है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो होशियार रहने की जरूरत है। तो आपने सुना राशिद अल्वी ने क्या कहा, अब आइए आपको सुनाते राशिद अल्वी ने क्या बयान दिया था जिसको लेकर सियासी घमान मचा हुआ है, ये आपने सुन लिया। अब बीजेपी आरटीसीएल के प्रमुख अमित वालवी ने इस पर क्या पलटवार किया, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए एक बार। अमित मालवी ने जो आरटीसीएल के हैं बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर यानी राक्षस बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है ये इनके बयानों से समझ में आता है। तो पहले सलमान खुर्शीद ने बयान दिया, उसके बाद रही सही कसर राशिद अल्वी ने पूरी कर दी। और इस बड़ी खबर पर बातचीत के लिए विचार रखने के लिए हमारे साथ विजय कौशिक हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम मसलों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। साथ ही साथ गोपाल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा शहजाद पूनावाला का। शहजाद बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ और भारत पर। मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया चाहता हूं, जाति धर्म की बात तो कांग्रेस करती ही थी, अब हिंदूवादी आतंकवादी हो गए हैं, बोको हरम से तुलना कर दी है। देखिए कुछ लोगों को रोम ज्यादा पसंद है और राम कम पसंद है, तो इसीलिए चाहे वो चुनाव के समय जैसे हमारे देश में सीजनल फ्रूट मिलता है, सीजनल हिंदू बन भी जाए परंतु अंदर जो है वो बाहर निकल कर आ ही जाता है। और मुझे लगता है ये बाहर निकल के आने में भी एक स्ट्रैटेजी एक रणनीति होती है, क्योंकि सलमान खुर्शीद कोई खान कोई अलवी अगर ये बार बार बयान दे रहा है तो वो एक लक्ष्य से दे रहा है, वो 19% खुर्शीद खान अलवी को पटाने के लिए दे रहा है। और इसीलिए आपने देखा कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व उसी हिंदुत्व जिसकी तुलना सुप्रीम कोर्ट ने जीवन शैली से की है उस हिंदुत्व को गाली देते हुए हिंदुओं को चिढ़ाते हुए कहते हैं ये आईसिस और बोको हराम की तरह है। क्या विजय कौशिक जी आईसिस और बोको हराम की तरह है? क्या वो अपने कंधे पर AK-47 लेकर सेक्स स्लेव बना रहे लोगों को? वो विजय कौशिक जी तय करें। उसके बाद देखिए कैसे राशिद अल्वी अगले दिन कहते हैं कि देखिए जय श्री राम बोलने वाले असुर होते हैं, अब वो कौन होते हैं कि असुर भावना से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो ये जो है ये राहुल गांधी के मन की बात की जा रही है। राहुल गांधी ने भी कहा था मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, LET से ज्यादा खतरनाक हिंदू होते हैं। इसके अलावा शशि थरूर ने कहा था अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते। तो ये श्रृंखला जो है हिंदू आतंक से लेकर हिंदुओं को गाली देना, एक तो नरेंद्र मोदी विरोध में देश और हिंदू को गाली देना, और दूसरा चुनाव आए तो वैसे तो चेहरे पर टीका माथे पर उसका लेप लगाना परंतु अंदर का भाव वो भी बाहर निकालते रहना ताकि वोट बैंक मिल पाए। हाँ शहजाद, विजय कौशिक जी का रुख करूंगा, कांग्रेस की तरफ से अपनी राय रखने आए हैं। विजय जी आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत गंभीर मसला है, किसी के समुदाय को जाति धर्म को आतंकवाद से तुलना कर दी जाती है। बोको हरम क्या करता है, किस तरह के कृत्य में शामिल है दुनिया जानती है। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी रेप करते हैं, लोगों का गला काटते हैं, जुल्म ढाते हैं दुनिया भर में, उनके खौफ से हर देश परेशान है। क्या हिंदुत्व हिंदूवादी सनातन धर्म बोको हरम और इस्लामिक स्टेट, आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत गंभीर मसला है, जवाब दीजिए। नहीं मैं मुस्कुरा बात पर रहा था, शहजाद भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, जब एक हिंदुत्व जीवन शैली है तो देश का जो मुसलमान है वो भी हिंदू है, यहाँ फिर कोई बाहर नहीं है, सब हिंदुत्व जीवन शैली में जी रहे हैं, यहाँ पर कोई मुसलमान किसी दूसरी शैली में जी ही नहीं सकता। तो मैं इनकी एक बात पर मुस्कुरा रहा था। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी का इस किताब से कोई लेना देना नहीं, हम मांग कर चुके हैं कि मोदी सरकार माननीय अमित शाह जी इस मामले में मुकदमा दर्ज करें, सलमान खुर्शीद को गिरफ्तार कर लें, कांग्रेस पार्टी को कतई कोई ऐतराज नहीं। विजय जी लॉ मिनिस्टर से आपकी सरकार में बड़े वकील हैं और सालों दशकों बीत गए कांग्रेस की राजनीति करते हुए, क्यों कोई ताल्लुक नहीं है? मेरी बात
वो कांग्रेस के नेता है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी अपनी एक निजी जिंदगी है, निजी जिंदगी में अगर वो कहीं डकैती डालते हुए पकड़े जाएं तो क्या कांग्रेस उन्हें भेज दिए कि डाका डाल। उनकी किताब के लॉन्च में दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के सारे बड़े नेता वहां पर थे। अगर किताब उनकी अपनी व्यक्तिगत थी, निजी थी, तो लॉन्चिंग में बाकी कांग्रेस के बड़े नेता वहां क्यों पहुंचे हुए थे? तो सुन तो लीजिए, सलमान खुर्शीद कोई छोटे आदमी तो है नहीं, उनका अपना एक सर्कल है, उनके अपने दोस्त हैं, और दिग्विजय सिंह उनके दोस्त हैं, पी चिदम्बरम उनके दोस्त हैं। कांग्रेस ने अगर उन्हें भेजा हो तब आप हमें दोषी ठहरा सकते हैं। विजय जी, बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता किसी कुत्ते को मार देता है तो उसका दोष आप मोदी जी पे देते हैं। बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता किसी की साइकिल चुरा ले तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इतना बड़ा कांग्रेसी नेता किताब में हिंदुत्व के खिलाफ इतनी अभद्र और भद्दी टिप्पणी कर देता है और आप कहते हैं कि कांग्रेस का सलमान खुर्शीद से या बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है? अभी सुनिए, मोदी जी इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि देश में उनकी सरकार है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर उनके राज में चोरी हो रही है, डाका डाला जा रहा है, आतंकवादी, गोपाल जी, गोपाल अग्रवाल जी को मैं चर्चा में शामिल करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, आपने सुना कि सलमान खुर्शीद हिंदुत्व के बारे में कोई गलत बात लिखते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो कांग्रेस का उससे कोई सरोकार नहीं है? बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता अगर एक साइकिल चुरा ले तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि यह कांग्रेस की भद्दी मानसिकता का प्रतीक है जो सलमान खुर्शीद और लोगों के शब्दों में उभर के आता है। कोई दो राय नहीं इसमें, बिल्कुल। यह जो उनकी मानसिकता है, अगर उससे इस तरह की मानसिकता से आप वाकिफ नहीं रखते तो क्यों नहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी डिनाउंस करते, हर बात पे उनके स्टेटमेंट आते हैं, ट्विटर पे आते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप स्पष्ट करिए कि क्या आप हिंदू आतंकवाद जैसी बातें नहीं करते थे? केवल एक नहीं है ना, केवल सलमान खुर्शीद की बात नहीं है। विजय जी सुन लीजिए, विजय जी मैंने आपको बोलने दिया, गोपाल जी को सुन लीजिए, विजय जी गोपाल जी को सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, इनके गृह मंत्री ने किस तरह से पीछे जब यूपीए की सरकार थी पूरी तरह से हिंदू आतंकवाद की पूरी जो बोगी जो है फेक न्यूज और किस तरह से लोगों को घेर के हिंदुओं को बदनाम करने की प्रक्रिया शुरू करी थी, तो वही उसी का प्रतिफल है ये सब चीजें। सलमान खुर्शीद ने कुछ कह दिया, आइसोलेटेड कुछ कह दिया, कोई एक व्यक्ति की बात होती तो बात अलग है, यह कांग्रेस की मानसिकता है। राशिद अलवी आज क्या कह रहे हैं, पहले हिंदू आतंकवाद की बात है सारी चीजें, और फिर क्यों नहीं सोनिया गांधी डिनाउंस करती, क्यों नहीं बोलती कि हम बोको हरम और उसके साथ जो ये इन्होंने सलमान खुर्शीद ने लिखा है जो कहा है उन लोगों के ऊपर एक्शन लीजिए, उनको उनको नोटिस भेजिए, क्यों नहीं भेजते? तो यह असली बात यह है कि आप लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण पे ही आपकी पूरी राजनीति पूरी इतने सालों की बेस थी जिसका धीरे धीरे अब उच्छेदन हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो मुस्लिम प्रेम है जीव भरा हुआ है आपके अंदर वह बार बार उभर के आता है हिंदुओं के। विजय कौशिक जी, अगर कांग्रेस का सरोकार नहीं राशिद अलवी से सलमान खुर्शीद थे तो अभी तुरंत पार्टी से बर्खास्त करिए, उनको उनको पार्टी से निकालिए और सोनिया गांधी राहुल गांधी पर आकर सफाई दें। 80% जनता जिस देश में हिंदू है वहां के हिंदुओं को उनके पूजा की प्रक्रिया को उनके सनातन धर्म को आतंकवाद कह दिया जाता है, तो एक काम करिए, सोनिया गांधी से बोलिए कि सफाई दें आके इस पे और निकाल दे दोनों नेताओं को। और वो अभी भी सलमान खुर्शीद अभी भी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे स्टैंड करता हूं, तो फिर इसका मतलब वो मानसिकता को आप प्रमोट कर रहे हैं ना। आप सलमान खुर्शीद अभी भी कह रहे हैं तो फिर आप उन्हें रोकिए, उन्हें बोलिए माफी मांगिए। शहजाद को शहजाद क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उस पर बयान नहीं देना चाहिए? प्रियंका गांधी यूपी का दौरा कर रही है, दलितों से मिलती है, लोगों के घर में जाके उनका हाल चाल जानती है। 80% जनता देश की हिंदू है, उसके धर्म को उसकी पूजा पाठ की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किया, भद्र घटिया टिप्पणी की गई है, क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी को सफाई नहीं देनी चाहिए? प्रियंका यूपी का दौरा कर रही है खूब। देखिए, जो लोग चुनावों के समय मंदिर मंदिर जाकर कहते हैं मुझसे बड़ा शिव भक्त नहीं, मुझसे बड़ा जन्युधारी कौल ब्राह्मण नहीं, तो आज उनको बताना चाहिए कि हिंदू को गाली दी जा रही है, हिंदू के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, एक तरीके से तालिबानी मानसिकता का एक परिचय दिया जा रहा है कि कैसे हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जाए, और ये को एक एक व्यक्ति होता तो मान भी लेते, ये श्रृंखला है। तो आज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब सलमान खुर्शीद कहते हैं, राशिद अलवी कहते हैं, चिदम्बरम कहते हैं, सुशील कुमार शिंदे कहते हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं, इसका मतलब यही है कि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के शब्द है। लेप लगा लगा के कितने भी पार्ट कर लीजिए,
जो असली इनका अंदर का वायरस है तुष्टीकरण का, वो बाहर निकलकर आ चुका है। मैं विजय कौशिक जी को चुनौती देता हूं, इन्होंने तो सलमान खुर्शीद को एक छोटा मोटा नेता बता दिया, हिम्मत है तो एक्शन लेकर दिखाइए। आज कासगंज भी प्रियंका वाड्रा ने सलमान खुर्शीद को भेजा है, आपको नहीं भेजा। वो तो हिंदुओं को जो समर्थन करते हैं उनको पार्टी से निकाल देते, जय श्री राम बोला था एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने, तो व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। भाजपा के हर नेता को हर बात में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने आपका, आपकी पार्टी कौन चलाता है, आपकी पार्टी कौन से चल रही है, नहीं आपकी पार्टी कौन से चल रही है, जो गिन चुके वही कांग्रेस का पर्याय बनना चाहते हैं। इमरान खान से पूछो आपकी पार्टी नहीं बता पाए, और आप हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या हिंदुओं कर रहा है राजनीति तो आप कर रहे हैं। गोपाल जी, गोपाल गोपाल अग्रवाल जी जवाब दीजिए। देखिए ना राजनीति कौन कर रहा है हिंदुत्व के ऊपर, जिस तरह की सुन लीजिए विजय कौशिक जी, सुन लीजिए जवाब भी ले लीजिए, सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए। गोपाल अग्रवाल जी बोलिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हिंदुत्व के ऊपर भद्दी टिप्पणी किसने की, हिंदुत्व के ऊपर भद्दी टिप्पणी आपके नेताओं ने की, आपके नेता उस पे फिर भी कह रहे हैं। सुन लो आपसे, जो किया सलमान खुर्शीद ने, विजय जी सुन लीजिए, विजय जी माफी चाहता हूँ, ये चर्चा है, सभी को बोलने का मौका देना होता है। विजय जी सुन लीजिए, अपना जवाब दे लीजिए, आपने कुछ कहा था उसका जवाब दे रहे हैं गोपाल जी। विजय जी, गोपाल जी बोलिए जवाब दीजिए। सबसे पहली बात ये है कि सलमान खुर्शीद ने यह जो टिप्पणी करी, अभद्र और भद्दी टिप्पणी हिंदुत्व के ऊपर की है, और उसके बाद वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, तो कांग्रेस या तो उसको वो डिनाउंस करे सोनिया जी या राहुल गांधी, या उनको नोटिस दे निकाले बाहर। जब तक यह नहीं करते तब तक आपका यह स्टैंड क्लियर है कि आप इस मानसिकता, इस विचारधारा के साथ अपना सौजन्य रखते हैं, वाकिफ आप रखते हैं अपने आप को, आप इस विचारधारा के परिचायक हैं, पूरक हैं। और केवल यही नहीं, सुनने की शक्ति भी नहीं है आपने, विजय कौशिक जी सुन तो लीजिए। आपने कुछ सवाल किया, आपने कहा कि मोदी जी को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं पता है, अब बीजेपी के प्रवक्ता उनका पक्ष रख रहे हैं, उनको सुन तो लीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैंने आपको नहीं रोका ना, अब उनको भी सुन लीजिए। हाँ, विजय जी से ये पूछ ले कि सलमान खुर्शीद और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कभी अपने आप को तिलकधारी और शिव भक्त कहते हैं, उन्हें पता है कि हिंदुत्व की क्या परिभाषा है, हिंदुत्व का परिभाषा में क्या ये आती है बात जो सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व के बारे में कही है? तो क्या वह खुद बोको हराम और राहुल गांधी उसके साथ उनके साथ उनका संबंध है? बता दे आपकी बात। तो इसका मतलब हिंदुत्व की परिभाषा उनको पता है, सलमान खुर्शीद ने पूरे होशोहवास में बात कही है, उनकी विचारधारा से कांग्रेस की मानसिकता पूरी तरह मिली हुई है, और उसी तरह की धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। गोपाल अग्रवाल जी लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद कोई छोटी हस्ती नहीं है, कानून के जानकार हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और तीन चार दशकों से सक्रिय राजनीति में हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, सबको पता है। शहजाद क्या इतने अनजान है सलमान खुर्शीद की जो लिख रहे हैं पढ़ रहे उसके बारे में जानकारी नहीं है उनको? नहीं नहीं, वो तो बाद में भी कह रहे हैं कि मैं उसके पास स्टैंड करता हूं अपने बयानों में। शहजाद शहजाद गोपाल जी, शहजाद को बोलने दीजिए। विदेश मंत्री रहे हैं, कानून मंत्री रहे, मतलब हर शब्द का वो महत्व समझते हैं, और वो वही व्यक्ति जिनके सामने सोनिया जी फूट फूट कर बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोई थी, क्योंकि ये बात सलमान खुर्शीद ने ही देश को बताई थी कि आतंकियों की बॉडी देखकर सोनिया जी को बहुत रोना आया। मैं आज विजय कौशिक जी से पूछना चाहता हूँ, क्या इनमें हिम्मत है कि वो बोले कि मुसलमान जो बोलता है अल्लाह अकबर वो राक्षस होता है, ये हिंदुओं को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे? मैं खुद भारतीय मुसलमान हूं, पर कितनी गाली आप श्री राम को देंगे, कभी अस्तित्व नहीं है ये बोलेंगे, कभी राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे, कभी मणिशंकर अय्यर बोलेंगे कौन से कमरे में राम पैदा हुए थे, कभी आप गाली देंगे हिंदुओं को, आतंकवादी कहेंगे, आज आप कहते हैं बोको हराम है, कल आप कहेंगे कि हिंदू जो है जय श्री राम बोलने वाला राक्षस है। ये हिंदुओं को गाली देने की राजनीति कब बनेगी? अगर हिम्मत है विजय कौशिक तो बोलो अल्लाह अकबर राक्षस कहता है, बोलिए विजय जी, बोल दीजिए विजय जी, प्रोग्राम में बोल दीजिए, आप भी अपने स्वतंत्र विचार रखिए कि अल्लाह अकबर बोलने वाले राक्षस है, बोलने में क्या जाता है, आप भी बोल दीजिए। अगर किसी राशिद अलवी ने हिंदुओं के लिए ऐसा कहा है तो उस राशिद अलवी का जनता को मुंह काला कर देना चाहिए। क्यों रखा है उसको,
निकालो बाहर। अरे मुंह काला करना है, पार्टी से निकाल के मुंह काला करिए। खत्म कर ही रही है विजय जी, जनता तो कांग्रेस के साथ है नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 36 बिरादरियों के कल्याण के लिए काम किया है, समाज के कल्याण के लिए काम किया है। गोपाल कृष्ण जैसे लोग समाज को केवल भड़काने और बरगलाने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के पूजा पाठ को, उनके सनातन धर्म को, उनकी प्रक्रिया को गाली दे रहे हैं। हिंदुत्ववादी लोगों को कहते हैं कि बोको हरम है, इस्लामिक स्टेट आतंकवादी है। शहजाद मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि मुंह काला करके उनको मुंह काला कर देना चाहिए, तो बोल क्यों नहीं देते प्रोग्राम में कि अल्लाह अकबर बोलने वाले भी राक्षस हैं, डेविल्स हैं, बोल देना चाहिए ना फिर। अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण की जो व्यवस्था है आपकी अच्छी नहीं है। अतिक्रमण तो किसी और की आदत, बाबर की। अभी सुनिए, मैं ये कहूंगा कि देखिए बार बार ये सेकुलरिज्म की जो इनकी गंगा है ये एक ही दिशा में बहती है। हाँ, हिंदू के ऊपर सेकुलरिज्म का पूरा भार होना चाहिए। नेहरू जी क्या बोले थे कि सेकुलरिज्म का भार केवल मेजोरिटी पे है, माइनॉरिटी कुछ भी करे। उसके बाद मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है भारत के संसाधनों में। तो ये सेकुलरिज्म की वन साइडेड गंगा के चलते ही ये तुष्टिकरण के लिए बार बार हिंदुओं को गाली, बिल्कुल मिले मुसलमानों की ताली, यहाँ तक तो जिंदा के सामने। समय थोड़ा सा कम है, लेकिन जो आपने कंक्लूजन दिया है, क्लोजिंग कमेंट आपने दिया, बिल्कुल सही बात है। चुनाव नजदीक आते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी ने जो कहा है, चुनाव में इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत गंभीर होंगे। भले अभी कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उनको यह पता लग जाएगा जब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त